तो दोस्तों हम प्ले कर रहे हैं फाइनल पार्ट, हिस्ट्री रिपीट्स। वाओ क्या बॉम्बिंग हो रही है, ये काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। ये फाइट काफी इंटेंस होने वाली ही लगता है। अब मॉस्को के अंदर है और ये देखो टैंक के साथ और हेलीकॉप्टर कितनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है। लो हमारे स्क्वाड में से एक बंदा ऐसे ही लटक गया। अब इसको गुस्सा आ गया, इसने अपने स्क्वाड को जो है बिल्कुल चौड़ा होकर कह दिया कि भैया थोड़ा सीरियस होकर काम करो और सबको खदेड़ना है हमें रशियंस को। तो हमें इसमें कम्युनिकेशन टावर और प्लाजा को सिक्योर करना है, ये हमारा बेस है अभी। इसमें हमारे पास कुछ हथियार भी मिले हैं, जैसे मोर्टार ड्रोन मिला है, एसॉल्ट ड्रोन। तो हम इस मोर्टार ड्रोन को कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, अब हम टैंक में बैठने वाले हैं क्योंकि इधर काफी ज्यादा एनिमी है, तो हम अकेले उसका नहीं कर पाएंगे। तो सामने वाली बिल्डिंग में ही बहुत सारे लोग हैं जो देखो रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, तो हमें उनको पहले खत्म करना पड़ेगा। ओ भाई हर जगह से जो है रॉकेट लॉन्चर्स आ रहे हैं, हर जगह से रॉकेट ही रॉकेट। जानवरों की तरह मार रहे हैं ये, उनका टैंक भी है। इन्होंने काफी डैमेज दे दिया मेरे टैंक को। मैं टैंक के रिपेयर होने का भी वेट कर रहा हूँ। ये तो गया उसका टैंक, गदर मचा दिया हमने। आओ बेटा कौन आओगे, जल्दी आओ, तुम्हारी ऐसी तैसी। ये क्या हुआ, किसी ने मेरे टैंक को उड़ा दिया। अच्छा इसी ने उड़ाया है, इसी के पास लॉन्चर है। बेटा तू तो गया, टैंक पहले से ही काफी डैमेज था और वो रिपेयर मुझे मिल नहीं पा रही थी तब तक इसने लॉन्चर मार दिया। ये और आ गया, हमारे पास इसको देखने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर तो है नहीं, तो हम अभी असॉल्ट ही कर सकते हैं। ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है, मेरी मार के जाएगा लगता है। कोई छुपना पड़ेगा,
बाल बाल बचे हैं। यार ये टैंक मेरे को जो है ना, मेरे को डर लग रहा है टैंक से, इसका कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। इधर चार्जेस ड्रॉप कर देता हूँ ताकि जब वो इस पे आएगा ना उड़ा दूंगा मैं। आ रहा है, आ रहा है टैंक, आ रहा है, आ जाओ। ओए होए कुछ नहीं हुआ, हमने पहले ही उड़ उड़ रही। अब गया बेटा ये, अब स्नाइपिंग का टाइम है। ये अपने ही आदमी है, तेरी। अबे कैसे गोली नहीं लगी भाई इसको। अब ये भाग गया, तेरे टकले में मारूंगा। गया, ये इधर एक और टैंक है। इस टैंक का क्या करूं, पहले इस बंदे का करता हूँ। ये तो गया यार। कभी कभी ना स्नाइपिंग वाला जो होता है एक्यूरेट होता है फिर भी नहीं लगता। कोई बिल्डिंग से है जो मुझे मार रहा है, ये इसी बिल्डिंग में है कहीं छुपा हुआ। ये रहा बेटा, गए तो उसने मेरे बंदे को कितने बुरी तरीके से कुचला है। ये बेटा ये टैंक मैं ही मारूंगा, ये टैंक मेरे मेरे हाथों से ही फटेगा। पहले तो मैं इसकी लूंगा। ये कैसे छुप छुप के भाग रहा है, कवर के चक्कर में बैठे हुए थे ना तुम, अब तुम गए। ये भी गया, अब वो टैंक फिर आ रहा है, फिर इसने चढ़ाई कर दी। ये मेरे स्क्वाड मेंबर्स को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे पहले इस टैंक का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बेटा अब मैं टैंक का जुगाड़ करता हूँ। ये ले, तेरा जुगाड़ तो कर दिया मैंने, आ जा इस पे चढ़। बूम, अब बाकी लोगों को स्नाइपिंग से देखते हैं। नहीं लोग काफी ज्यादा हैं, तो हम ऐसा करते हैं असॉल्ट ड्रोन लगाते हैं। आ जाओ बेटा, अब इसका देखो जलवा। ये है इसका जलवा, इसको कहते हैं असली में पुंगी बजाना। इसके सामने नहीं टिक सकते भाई तुम। गदर मचा दी भाई इसने। सन्नाटा हो गया बिल्कुल। चलो अब बैक होते हैं, इधर तो सफाया कर दिया हमने सबका। अब उठा भी लो भाई। हमने इसको उठा लिया, कैरी कर लिया। और आगे हम बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। इधर लगता है इधर बंदे हैं। गए बेटा तुम, ये नहीं छोड़ने वाला। इस पे तो स्नाइपिंग का असर नहीं पड़ने वाला, तो हम इस तरफ से जो है मूव करने वाले हैं।
ये कोई स्नाइपर है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में घुसा हुआ है। ओए उधर दिख गया, स्नाइपर निकालो। अब तुम्हारी गई बेटा, बत्ती गुल करता हूँ। गए दो दो हैं भाई, ना गए। इसकी देखो ये ऊपर से गिर गया। ये तो बहुत ही ज्यादा लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है इसके पास। दूसरा भी गया। आ जा बेटा, तेरा हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये भी गया, तू भी आ जा। और भी कोई है तुम्हारे चमचे तो आ जाओ। वो भी भाई, टैंक आ रहा है भाई, छुप जाओ। होए होए, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अपनी टीम में किसी के पास लॉन्चर नहीं है क्या यार? फुद्दुओं की टीम बना रखी है। माउस का डीपीआई इतना ज्यादा है कि टारगेट लग नहीं पा रहा है। और तुम्हारा भी हिसाब किताब ऐसे ही करूंगा, तुम आओ इसी के ऊपर। चार्जेस मैंने सड़क पे डाल दिए, जैसे वो आएगा मैं चार्जेस बूम कर दूंगा। गया, इसको हमें डेमोलिश करना है, तो हम डेमोलिशन चार्ज लगाने वाले हैं। ये बॉम्ब, ऐसा बॉम्ब कम लगता है, वीडियो गेम ज्यादा लगता है। उड़ा दिए इसको। अब हमें मिलिशिया प्लाजा को न्यूट्रलाइज करना है, यानी ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुके हैं। अब हम टैंक लेते हैं अपना और मूव आउट करते हैं। इधर तो बहुत लोग हैं भाई, देखते हैं कितनों को संभाल सकते हैं। इधर टैंक भी है। ओ माय गॉड, निकलो यहाँ से। लो भाई, इतनी जल्दी टैंक कैसे उड़ा दिया? ओके, लॉन्चर था उनके पास, उन्होंने दो तीन लॉन्चर्स एक साथ करे। तुम्हारी तो मैं लेके रहूंगा बेटा, तुम गए। ये भी एक छुपा हुआ है। ये बिल्डिंग से मार रहा है कोई लॉन्चर, कहाँ है? दिख जाओ बेटा तुम, दिख गए। ऐसे मारता हूँ मैं, कत्लेआम मचा देता हूँ मैं। ये इधर टैंक खड़ा हुआ है कुंडली मार के, मैं इससे आगे जा नहीं सकता। बंदे आना खत्म नहीं हो रहे। इसकी टोपी देखो, मैंने हवा में उड़ा दी, कितनी तगड़ी है। एक गोली तो लगी है बेटा तुम्हें, दूसरी में तुम ढेर हो गए। प्लाजा सिक्योर कैसे हो गया मुझे नहीं पता। हमें जाने तो दिया नहीं गया। इस पे तीन गोलियां वेस्ट हुई है मेरी। फिर कोई स्नाइपर है, मैं स्नाइपर से दुखी हो गया हूँ भाई। कौन है यार? ये रहा, आ जा बेटा, तू भी गया। ये टोपी नीचे गिर गई।
इस टैंक का कैसे सामना करें, इसका भी करते हैं। रेल गन है ना अपने पास, अभी बताते हैं। बेटा तुम्हें ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। अब देखो मेरे पास क्या हाल है, ये होता है रेल गन का कमाल। देखो लोड होने की पावर देखो, ये हमने पहले क्यों नहीं लगाया। अब टैंक में बैठते हैं और दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नहीं तो इधर से तो रास्ता लग नहीं रहा है, इधर ही से लग रहा है मेरे ख्याल से। ये गनर किसको मार रहा है पता नहीं। अच्छा हमें लेफ्ट होना है, ये ब्रिज टारगेट है हमारा। इस ब्रिज के थ्रू हमें उसको क्रॉस करना है। ओ हमारा जो इधर ईएमपी वो है, टावर है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमारे जो टैंक है ना, हाँ वो रहा सामने है। तो हमारे टैंक अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि ईएमपी की वजह से टैंक न्यूट्रलाइज हुए पड़े हैं। वो जब तक ईएमपी टावर है ना, या ईएमपी वाली मशीन है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसी को उड़ाना है हमें। अब हमने ईएमपी वाले जो टावर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब हम टैंक लेके आगे जा सकते हैं। अब देखो तुम जलवा, इधर खून की नदियां बहने वाली है। लो एक टैंक तो गया तुम्हारा, तुम्हारा आर्मर्ड वाले वह उसको भी तोड़ दूंगा मैं। एक गोला बस गया आर्मर्ड। अरे इधर एक और टैंक है यार राइट में। ये टैंक भी गया इनका। आओ बेटा कौन आओगे। और कोई है? ये है एक छुपा हुआ। ये तुम्हें मैं बच्चा समझ के छोड़ दे रहा हूँ और तुम जो है। ये दो टैंक आ गए हमारे, यानी मुझे मूव करना पड़ेगा आगे क्योंकि बैकअप में है। फिर कोई मार रहा है, मार दिया यार, टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया मेरा। अब मेरे पास पिस्टल ही में गोलियां हैं, अभी पिस्टल से ही काम चलाना पड़ेगा। पिस्टल भी बुरी नहीं है वैसे। अब थोड़ा कैप्चर करते हैं एरिया फटाफट। अब हमारे पास जो है रॉकेट लॉन्चर भी आ चुका है। अब आ जाओ। ओए इधर से ऊपर से मार रहा है बंदा।
तो अब हम डाउनटाउन मॉस्को में हैं। हमारे पास एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आ गई अब। ये बहुत अलग ही टाइप का ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट की, रशियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को कैप्चर करना है। भाई सामने से हट जा, चपटा कर दूंगा। आओ बेटा, तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूँ। वो आर्मर देखो कहाँ जाके गिरा है। टैंक आ गया इनका, निकल लो। टैंक मल्टीपल हिट करेगा, कर ही रहा है मेरा। इधर से एक बंदा गया, इनके टैंक को मैं उड़ाता हूँ। उड़ गया टैंक। जितना मजा टैंक को डिस्ट्रॉय करने में किसी को नहीं है। तो इधर का मामला हम ऑलरेडी साफ कर चुके हैं। अब बैक टू ऑब्जेक्टिव। हमारा टैंक रिपेयर भी साथ साथ ही हो रहा है। वो इधर भी टैंक है यार। टैंक ना जीने देगा मुझे तो यार। ये आर्मर्ड वाले को उड़ाना है पहले। टैंक ही उड़ा दिया इसने मेरा। इसमें टैंक उड़ने के बाद भी जो है ना, हम बचे रहते हैं पता नहीं कैसे। यार इसने तो मेरी ले ली अच्छे से। इसको बोलते हैं तबीयत से लेना। तुम्हारे तो फुंगी बजाऊंगा। गए बेटा तुम। तीन बंदों को एक साथ मार दिया मैंने। मेरे में कुछ तो बात है यार। ये तो सामने ही आके मार रहा है बिल्कुल। इसको भी उड़ाना पड़ेगा। एनिमी का एमजी है, सेंट्री गन है। कुछ फायदा नहीं हुआ गोले मारने का। नहीं वो मरा तो है बंदा। ये भी गया। ये भी गया। तो हम सारे, ऑलमोस्ट सारे बंदों को ढेर कर चुके हैं। इधर छुप के मारता हूँ मैं। बहुत सारे बंदे हैं। इधर कुछ ज्यादा ही बंदे हैं। इधर आराम से काम करना पड़ेगा। छत पे चलते हैं सीधे और उधर से अटैक करते हैं। इसकी तो ले ली मैंने। रो कैसे राजा। ये
ये लोग मार के छुप कैसे जाते हैं? ओए यार कहाँ कहाँ से मार रहे हो तुम लोग, कुछ पता नहीं लग रहा। ये एक सामने, तुम बचोगे नहीं यार। एक कितनी पूरी मैगजीन खर्च करवाओगे क्या तुम मेरी? ये कौन? अच्छा बेटा तेरी तो मैं लेता हूँ, कह के लूंगा तेरी मैं। इस मेरे बंदे को मार दिया यार इसने। दो बंदे एक साथ, मुझे इधर ग्रेनेड फेंक देना चाहिए था, एक उसी में खत्म था। इसने तो इधर बहुत लपेटा है भाई मुझे, मार दिया इसने मुझे। लो ये लो, तुम्हारी वजह से मैं इतनी दूर से फिर वापस डिप्लॉय होके आया हूँ। क्या रिकॉइलिंग है यार, टारगेट सही निशाने पे ही नहीं लगता। अब आराम आराम से खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं है मुझे। भाग कहाँ रहा है वे? ये फिर आएगा उठ के। सामने आ जाओ, कौन हो तुम? छुप छुप के कायर लोग मारते हैं, हम तो सामने सामने मारते हैं। ये आ गया, अब कौन है भाई? यार ये दो दो जगह से मार रहे हैं बंदे, कुछ पता नहीं कहीं से भी गोली आ जाती है। तेरी ऐसी तेरी, बच गया। अब फटाफट ऊपर चलते हैं और जगह को कैप्चर करते हैं। अच्छा ये बता रहे हैं मुझे कि एलिवेटर के थ्रू ही ऊपर जा सकते हैं और उधर ही बाकी लोग हैं। अब मुझे एलिवेटर ढूंढना पड़ेगा, एलिवेटर है कहाँ? तो हमारे स्क्वाड भी ऊपर ही आ रही है हमारे पास, ये बहुत अच्छा है। एलिवेटर है कहाँ? कौन है भाई? चैन नहीं है बिल्कुल भी तुम्हें, पीछे से मार रहा कोई? तुम तो बेटा तुम मेरे बंदे के पीछे से मारोगे? नहीं ये तो नीचे का रास्ता है, शायद उस तरफ एलिवेटर मुझे दिख गया। एलिवेटर इसी तरफ कहीं है, ऊपर नीचे। ये लेफ्ट में देखोगे सीढ़ी बनी हुई है, वही है शायद एलिवेटर, और ये एलिवेटर के पास ही है, यानी इधर ही कहीं से आया ही है। ये रहा एलिवेटर। ओ भैया इधर तो पूरा पहले से तैनाती है, तो अब मैं ग्रेनेड का यूज करने वाला हूँ बेटा, बुद्धि खराब कर दूंगा। गए दूसरे ग्रेनेड में तो इसका काम हो गया। बहुत सही गया, डैमेज बहुत दे दिया लेकिन। मेरे पास गोलियां नहीं है अब, तो मुझे पिस्टल से काम चलाना पड़ेगा।
पिस्टल भी बुरी नहीं है। भाई तो छेद दिया। एक और बंदा है कहीं ना कहीं, आवाजें आ रही है। कहाँ पे हो बेटा? शायद उधर ही तो नहीं है जहां पे मारा था। देखते हैं छुप छुप के। ये रहा, एक और है भाई, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ये। रहा तुम्हारी ऐसी तैसी। तो हम मिनिस्ट्री और डिफेंस को कैप्चर कर चुके हैं और डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं। अब सैटेलाइट अपलिंक को हमें डिस्ट्रॉय करना है, हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। पहले नीचे उतरते हैं, चढ़े कहाँ से थे? अरे वाह क्या नजारा है। तेरे को चाय पीने की इतनी जल्दी क्यों है? ये है हमारा नीचे उतरने का रास्ता। नीचे उतर जाओ भैया। हाँ चल ही रहे हैं भाई। तो इसमें ऐसा सीन नहीं है कि सीढ़ियों के बगल से सीढ़ियाँ निकलेंगी, बस आगे बढ़ते रहो सीढ़ियाँ निकलेंगी। अब ये है रेड स्क्वायर। ये लोग कहीं पे भी खड़े होते हैं, बिल्कुल मेन मेन पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने भी सबकी मिट्टी पलीद की है। अच्छा, और टैंक है, एनिमी टैंक, ये नहीं छोड़ने वाला मुझे। अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये तो गया, इसकी तो गई। कोई मार रहा है भाई पीछे से। आगे टैंक जा नहीं सकता। इधर इनका टैंक भी है, हमारा भी कोई बंदा रॉकेट लॉन्चर मार रहा है। वेरी गुड। यार ये हमारा बंदा है कि हम ही को मार रहा है? मैं तो तभी कहूँ अपने जितने भी बंदे हैं वो तो साले भूखे नंगे हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर नहीं है। अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे टैंक को काफी डैमेज हो चुका है और वो डैमेज धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है। आप लेफ्ट में देख सकते हो, जैसे ही पूरा रिपेयर हो जाएगा हम आगे की तरफ बढ़ लेंगे। ऑलमोस्ट 60 to 70% रिपेयर हो चुका है।
तो हमारा टैंक अब 100% जो है रिकवर हो चुका है अब। ये एक टैंक तो गया भाई। इसका आर्मर गया। अब ये वाला टैंक बचा हुआ है। ये भी गया। अब हम तो आगे जा नहीं सकते, तो हमें वैसे ही चलना पड़ेगा बिना टैंक के। पीछे से कोई रास्ता है? नहीं लग नहीं रहा। ओ यार ये तो हम बैटल फील्ड से आगे जा रहे हैं। इसमें ये एक चीज़ है, जैसे ओपन वर्ल्ड गेम में होता है ना कि आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से फिक्स है चीज़ें। अगर आप दूसरे रास्ता या दूसरे सब्स्टिट्यूट देखते हो ना, तो वो बोल देता है आप आउट ऑफ बैटल जा रहे हो। अब इधर कौन है? फिर एक टैंक है। पहले तो टैंक की ऐसी तैसी करनी पड़ेगी। कुछ तुम भी कर लो भैया, नकारा लोग हैं मेरे स्क्वाड में। एक तो साला चाय चाय ही मांगता रहता है। एक लॉन्च नहीं है किसी के पास। भूखे नंगों की टीम है। ये एक और है इधर। ओ भाई आर्मर्ड, आर्मर के पीछे छुप गया। आर्मर उड़ाना पड़ेगा। गए बेटा तुम। बूम। इसी वाले बिल्डिंग में मुझे जाना है। पहले कुछ गोला बारूद ले लेते हैं। इधर से रास्ता नहीं है, पीछे की तरफ से होगा। वाह मजा आ गया। तो इधर हमें कुछ मिल रहा है। रेलगन मिल चुकी है हमें एक। चलो अब ऑलमोस्ट इधर तो कुछ चीज़ है नहीं लेने वाली, तो अब कैप्चर करते हैं इस एरिया को। सैटेलाइट अपलिंक जो है उसको तोड़ना है, और ये काफ़ी खतरनाक होने वाला है। इधर लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा एनिमी है इधर, और उनको पता है कि मैं स्वागत के लिए आया हूँ, तो मेरे स्वागत में कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं। कौन मार रहा भाई? इतने करीब आ चुके हो तुम। पूरा एक मैगजीन खर्च हो गया इस बंदे पे। कहाँ भाग रहे हो भैया? ये तो आर्मर्ड है, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस पे शेलिंग करनी पड़ेगी। आ जाओ बेटा, तो ग्रेनेड लॉन्चर यूज करता हूँ तुम्हारे ऊपर। कुछ फायदा नहीं हुआ। गए बेटा अब तो।
मुझे हल्के में ले रहे थे तुम। इधर कुछ भी काम का चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से रास्ता है जो हमें मिल नहीं रहा है। अभी जाना कहाँ से है? शायद इस वाले स्टेयर्स को देखते हैं। हाँ, इधर से कुछ खुला हुआ सा लग रहा है। इधर शांति है तूफान से पहले की। भाई साहब, हर जगह से कांच ही कांच टूट रहे हैं। यानी दूसरी बिल्डिंग में भी कोई पहले से लगा के बैठा हुआ है सेटिंग वेटिंग। ये अगर इस बिल्डिंग में कोई इन्फिल्ट्रेट करता है तो उस सामने वाली बिल्डिंग से मारेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा सीन तो जरूर होगा। यही वाली सामने वाली बिल्डिंग से कोई शूट कर रहा है हमें। देखो कांच टूट रहे हैं ना। इसको ग्रेनेड लॉन्चर से देखना पड़ेगा। ये सेंट्री गन है। तुम तो गए, ये गया। देखो इधर ही से आ रहा ना, कहीं ना कहीं से बुलेट। यानी ये, अरे ये था मतलब। इधर ऐसे काफी लोग हैं। तो अब हमारे पास रॉकेट लॉन्चर हो गया। बुलेट्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब है रॉकेट लॉन्चर है तो आसपास कोई ना कोई हेलीकॉप्टर तो ज़रूर आने वाला है। अरे आने नहीं वाला, आ गया। बाल बाल बचा। कहाँ गए बेटा तू? अरे यार, कहाँ पे है? ओ भाई साहब, शुरू हो गया फिर से। इधर ही से मारूंगा, सबसे सेफ है। बूम, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसे, बट इसने देख लिया हमें। गया बेटा, बैठे बिठाए मारा है हमने। इधर बंदे हैं, कहाँ गए? एक तो गया। अब उधर जाके मारना पड़ेगा। उसका हेलमेट का हाल देखो। बाल बाल बच्चे भैया। पीछे से जाते हैं, अचानक से सरप्राइज अटैक करते हैं। कोई है नहीं अब। नहीं, इधर एरिया क्लियर है। तो हमें ये सीढ़ियाँ, स्टेयर जो है वो पकड़ के ऊपर जाना है, क्योंकि वो सैटेलाइट जो है वो ऊपर की तरफ ही है। वो सामने हमें कम्युनिकेशन का नेटवर्क दिख रहा है और बंदे भी हैं बहुत सारे है। बच गया।
बहुत सही जगह पे इन्होंने, ये देखो एक, मैं दीवार में घुस के क्या कर रहे हो तुम? ये पहले के टाइम का इश्यूज होते थे, ग्लीचेस होते थे, जो दीवार के, जैसे आप किसी बंदे को मारोगे तो वो मारते वक्त जो है ना, मरते वक्त दीवार के पार कभी हाथ होता है, कभी पैर होता है। उसका आर्मर कहाँ गया? जो अभी जितने भी लेटेस्ट गेम आ रहे हैं उनमें ऐसी इश्यूज नहीं होते हैं। पीछे से जाना अच्छा होगा ताकि उनको पता नहीं लगे, कि वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो सामने से आएगा कि पीछे से। ये गया इधर, देखो कहाँ कहाँ छुपे हुए थे। अब इसमें हम चार्ज लगा के निकल लेते हैं सीधे। इनका कम्युनिकेशन टावर गया, बूम। अब हमें डिफेंड वो जो रेड स्क्वायर मैंने आपको बताया था, वो स्क्वायर को हमें जो है डिफेंड करना है। ये सामने वाला रेड स्क्वायर है, गिर गए हम। अब सारे स्क्वाड को जो है रेड स्क्वायर की तरफ बुलाया जा रहा है, क्योंकि हमें उसे डिफेंड करना है अब। और उधर होने वाली है तगड़ी तगड़ी कहानी होने वाली है उधर। क्योंकि ये फाइनल बैटल है तो भाई सब बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब हम टैंक लेंगे और निकल लेंगे इधर से। ये है पूरा सामने जो दिख रहा है आपको, वो पूरा रेड स्क्वायर है। इसी को हमें डिफेंड करना है। डिफेंड करने के लिए पहले जितने भी रेल गन हुए या सेंट्री गन हुए वो धीरे धीरे करके लगा देते हैं। अब ये बोल हमें बता भी रहा है हमारे स्क्वाड के लोग कि इधर जो है बहुत सारे गन हैं जो आप लगा सकते हो, धीरे धीरे सेटअप कर सकते हो। तो ये सारे वेपन लगाने वाले हैं हम। तो ये अपना रेल गन है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। दो शॉट में जो है एक टैंक ख़त्म कर देता है ये, मतलब ऑलमोस्ट वन शॉट में 50% का डैमेज देता है। ये अपनी सेंट्री गन है, ये ऑटोमेटिकली टारगेट को डिटेक्ट करती है और फिर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इधर भी एक लगा देते हैं क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, तो इधर सेंट्री गन लगाना बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सेंट्री गन जो है गोली भी मारता है और लॉन्च भी करता है लॉन्चर्स। देखो लगाते ही शुरू हो गया ये। हमने एयर स्ट्राइक के लिए तो मंगवा लिया है, बट जब तक तो वो एयर स्ट्राइक आएगा वो टैंक मूव हो जाएगा।
तो ये अपने आप ही चीज़ों को संभाल ले, ये ऑटोमेटिक है, और जिनको नहीं संभाल पा रहे उनके लिए हम हैं। गया टैंक, ये आसपास किसी बंदे को नहीं आने देगा। ये स्ट्राइक वाली कैपेबिलिटी फिर ले लेते हैं एक और, इसकी तो पुंगी बजा दी। अब इसको लेके जो है हमें, ओह शिट हम मर गए। कोई बात नहीं, इस बार नहीं छोड़ने वाला मैं। इसकी तो बजा डाली मैंने। अब आओ बेटा, इसके में कितना है दम। ये हमारा सेंट्री गन है जो जैसे ही टैंक देखता है ऑटोमेटिकली रॉकेट लॉन्च करने लगता है। ये देखो वो चॉपर आ रहा है भाई, भागो। चॉपर आ चुका है अब एरिया में, तो अब हमें रॉकेट लॉन्चर से उसको जो है टारगेट करना पड़ेगा। लॉक हो चुका है बेटा, तुम तो गए। लेकिन रॉकेट लॉन्चर का ये हिसाब किताब है कि जब तक 3 बार शॉट नहीं लगेंगे ना, कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये तो मैंने लॉक होने से पहले ही चला दिया था। एक बार लॉक होने के बाद अगर आप कर देते ना, तो फिर वो मूव कितना भी करे वो उधर जाके हिट करना ही करना है। तो अब वो हेलीकॉप्टर जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। भागना पड़ेगा इधर से। इधर भी टैंक है, टैंक इतना सारा है इनके पास कि टैंक का जो है ना डिस्ट्रक्शन करते करते मामला खराब हुआ पड़ा है। बेटा तुम गए अब, इधर आके बैठ के कर क्या रहे हो तुम? एक और लगता है हेलीकॉप्टर आ गया। शिट यार कितने आ रहे हैं। ये तो लॉक हो चुका था। इसने बजा डाली मेरी। ये लास्ट है, लॉक होते ही गया गया। अब हमने जो बाजा बनाया है ना एनिमी का, उसकी वजह से एनिमी डर गए हैं और रिट्रीट कर रहे हैं। वो धीरे धीरे भागना स्टार्ट हो गए।
और हम वॉर जीत चुके हैं। A few scattered pockets of resistance, but that won't last long. So, what's your plan now that all this is over? Over? This isn't over. There's already reports of the Russians setting up a government in exile, and the Chinese are massing on the borders. It's always doom and gloom with you, Princeton. More conflict. That's all any of us could count on in the future. This wasn't the end. Not by a long shot. Maybe all we've been doing is buying time for those back home to find an answer. Hydrogen, fusion, something new. Who knows? But there's अब सावर सारा मामला सेटल हो चुका है. Wounds, to make a new start. Someday this war will end, and hopefully those that have survived. अब ये सोच रहा है कि कभी ना कभी तो वॉर जो है वो खत्म होगा जो स्टार्ट हो चुका था पहले ही. I hope I'm there to see that.